हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए कर आई हूं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी जलेबी बनाने की रेसिपी। सिर्फ 4 चम्मच मैदे से आप अपने पूरे परिवार के लिए जलेबी बना सकते हैं। बनाना इसे बहुत आसान है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो चलिए आज की ये बहुत ही आसान और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच मैदा लिया है। ये देखिए, सिर्फ 4 चम्मच मैदे से ही हमारी 15 से 20 जलेबी बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच चावल का आटा, जिससे हमारी जलेबी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। बट अगर आपको क्रिस्पी जलेबी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मुझे क्रिस्पी जलेबी ही पसंद है, इसलिए मैंने डाला है। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच दही। और इसी के साथ मैं यहाँ पे 3 से 4 बूंद फूड कलर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेड कलर का फूड कलर यूज किया है, आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, इसलिए मैंने रेड कलर ही डाला है। अगर आपके पास ऑरेंज या रेड फूड कलर नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 पिंच हल्दी पाउडर डाल दें और इसे अच्छे से मिला दें, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। अब सभी चीज़ों को हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिलाते जाएंगे। एक बार में आप ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो उससे ना लम्स रह जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से डालते जाएं और इसे मिलाते जाएं। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिला दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, जलेबी बनाने के लिए हमने सेमी थिक बैटर बनाया है, ना ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही पतला है। तो अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो चाशनी बनाने के लिए पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप करें। केसर डालना टोटली ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे बस इसलिए डाला है ताकि जलेबी जो है ना वो ज़्यादा ब्राइट दिखे। अब चीनी और पानी को हम एक बार अच्छे से चला देंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम चीनी को पानी में अच्छे से डिजॉल्व होने देंगे। बीच बीच में एक दो बार इसे चला देंगे, जिससे चीनी हमारा नीचे नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 7 से 8 मिनट चीनी और पानी को पकाया है और आप देख सकते हैं चीनी हमारा बिल्कुल अच्छे से पानी में डिजॉल्व हो गया है और इसमें एक अच्छा कलर भी आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होगा कि चाशनी जब हमारी ठंडी होगी तो ये जमेगी नहीं। नींबू डालकर हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम 2 मिनट इसे पकने देंगे। यहाँ पे हमें जो चाशनी है ना वो 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी है, बस चीनी को अच्छे से डिजॉल्व होने देना है और इसे हल्का सा बस गाढ़ा कर लेना है। तो ये देखिए, 2 मिनट इसे पकाने के बाद हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकती हैं। तो अब हम इस चाशनी को क्या करेंगे कि साइड कर लेंगे, गैस को हम ऑफ नहीं करेंगे। इस पर हमें जलेबी को फ्राई करना है। तो ये मैंने जलेबी फ्राई करने के लिए गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हमारा जो बैटर है उसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप 1 ही पिंच बेकिंग सोडा डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो जैसे ही आप बैटर को तेल में जलेबी फ्राई करने के लिए डालेंगे ना तो पूरा बैटर जो है वो बिखर जाएगा, मतलब टूट टूट सा जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, इससे ज़्यादा आपको बेकिंग सोडा इसमें नहीं डालना है। बेकिंग सोडा डालकर मैंने बैटर को अच्छे से मिला दिया है। अब इस बैटर को हम इस सॉस बॉटल में डालेंगे। ये सॉस बॉटल आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा, 10-20 रुपए में मिलता है। बट अगर आपके पास ये बॉटल नहीं है तो आप हलवाई जैसे सूती कपड़े में डालकर बनाते हैं ना, वैसे आप सूती कपड़े में इस बैटर को डाल लें और उसमें छोटा सा होल कर दें। सूती कपड़े में अगर आप बैटर को डालकर जलेबी बना रहे हैं तो आप बैटर को उस केस में थोड़ा सा गाढ़ा रखें, तभी आपका जलेबी अच्छा बनेगा। तो ये मैंने सारा बैटर इस बॉटल में डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगा लेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। अब तेल हमारा यहाँ पे मीडियम गर्म हो चुका है। इसमें हमें जलेबी के शेप में बैटर को गिरा देंगे, मतलब डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया या फिर क्लॉकवाइज घुमाया, मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाकर जलेबी बनाया है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में आप बैटर को ना डालें, नहीं तो तेल में पूरा बैटर जो है वो बिखर जाएगा और जलेबी के शेप में नहीं बनेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे और जलेबी को हम ऐसे दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से पका लेंगे।
मैं यहाँ पे पतली वाली जलेबी बना रही हूँ, मतलब मेरा जो सॉस बॉटल है ना उसका जो होल है वो थोड़ा पतला है, इसलिए पतली पतली जलेबी बन रही है। बट अगर आपको मोटी जलेबी पसंद है तो सॉस बॉटल का जो होल रहता है उसे आप बड़ा लें, मतलब बड़ा होल वाला बॉटल लें, तो आपकी जलेबी मोटी बन जाएगी। जैसे ही आप बैटर तेल में गिराएंगे तो मोटा मोटा गिरेगा। तो यहाँ पे हमारा जो जलेबी है 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है, इसे हम डायरेक्ट इस चाशनी में डाल देंगे। जलेबी फ्राई करने के बाद आप गरम गरम ही इसे इस चाशनी में डालें, जिससे चाशनी को ये अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब करती है और अंदर से हमारी ये जो जलेबी है ना वो जूसी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। तो ये हमारी जो जलेबी है उसे मैंने चाशनी में डाल दिया है, 5 मिनट इसे हम ऐसे ही चाशनी में रहने देंगे। और अब मैं यहाँ पे जलेबी का दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, बैटर को आप बीच में ऐड करें जिससे आपकी जलेबी का शेप अच्छा रहेगा और ये टूटेगी नहीं। 1 मिनट के बाद हम इस जलेबी को पलट देंगे। जैसे ये शेप में सेट हो जाता है, ये देखिए, तो इसे मैंने पलट दिया है। और यहाँ पे हमने जो जलेबी को चाशनी में पहले से डाल रखा है उसे निकाल लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसे चाशनी में नहीं रखना है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले वाली सारी जलेबी एक प्लेट में निकाल लिए है। और यहाँ पे हमारा जो दूसरा बैच है जलेबी का वो भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल कर डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए, चाशनी में डालने के बाद हमारी ये जो जलेबी है इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ब्राइट हो गया है, ये देखिए। तो इसी तरह से हम सारे बैटर से जलेबी बना लेंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी जूसी कुरकुरी जलेबी बनकर तैयार है। ये देखिए कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये जलेबी तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी हमारी ये जलेबी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, तो देखा आपने, सिर्फ 4 चम्मच मैदे से इतनी सारी जलेबी आप अपने घर पे बनाकर खा सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से, मार्केट से भी अच्छा। आपको और आपकी फैमिली को ये कुरकुरी रसीली जलेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा जलेबी की रेसिपी और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जलेबी की रेसिपी कैसी लगी। ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।